नमस्कार दोस्तों, क्या आपके शरीर में से, आपके हड्डियों में से कटकट की आवाज आती है? आप उठ बैठ नहीं पाते, आपके नसों पे नस चढ़ जाती है, या इन सब के साथ आपकी हड्डियों में सूजन बनी रहती है? सर्दियां आपसे कटती नहीं, क्योंकि सर्दियां आते ही आपके शरीर में हर जगह दर्द शुरू हो जाता है। आपकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खट्टी टिकारों की समस्या है। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, आप सारा दिन आपको नींद आती है, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो आपके शरीर में है कैल्शियम की कमी। कैसे दूर करना है आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान से दो तरीके, जिनको आप फॉलो करके अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को फौलाद जैसा बना सकते हैं। बस वीडियो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। अगर आपके नाखून भी समय से पहले टूट जाते हैं और भुड़ जाते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। अगर आपके दांत हमेशा दुखते हैं, दांत आपके सफेद थे और पीले हो चुके हैं और पीली परत हटती नहीं है, कितने भी नुस्खे आजमा चुके हैं, तो आपके शरीर में हो चुकी है कैल्शियम की कमी। अगर आप भरपूर पानी भी पी रहे हैं, हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं और फिर भी आपके नसों में खिंचाव रहता है, ऐठन रहती है, नस पे नस चढ़ जाती है, ये सारी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपके शरीर में है कैल्शियम की कमी। आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके शरीर में है कैल्शियम की कमी। आपका दिल अचानक से बहुत तेज धड़कने लगता है, आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि पूरी तरीके से आपका ब्लड जो है आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, आपको बेचैनी और अजीब सा दर्द होता है छाती में, तो आपके शरीर में है कैल्शियम की कमी। तो ये सारे थे सिम्टम्स कुछ ऐसे जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको कैल्शियम बढ़ाने की जरूरत है। आजकल के समय में हर दूसरे बंदे को कैल्शियम की कमी है, क्योंकि एक तो ऐसे घर है हमारे जहाँ धूप नहीं आ पाती, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हमारे मसल्स क्रैम्प और जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। देखिए, जॉइंट पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारे नसों में जहाँ भी जॉइंट होता है वहाँ थोड़ा सा स्पेस होता है और वहाँ पे वात हमारा बढ़ जाता है, यानी वायु बढ़ जाती है। वायु के बढ़ने से जितनी भी ग्रीस होती है वो वायु उसको सुखा देती है, तो हमारी हड्डियों का आपस में घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण जैसे ही बढ़ता है या होता है तो उससे हमारे हड्डियों में दर्द बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन ये दो तरीके इतने आसान हैं, जिसे आप अपने घर में बड़े बूढ़ों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं और छोटे बच्चों को लेकर भी कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ तिल के बारे में, सफेद तिल। सफेद तिल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है, जो आपको लंग कैंसर, पेट के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचा के रखता है। यह आपकी हड्डियों को तो मजबूत बनाता ही बनाता है, साथ में आपके बालों को लंबा और घना करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, आपकी स्किन में बुढ़ापा आता जा रहा है, आपकी स्किन बहुत डल पड़ गई है, तो अगर आप इस सफेद तिल का सेवन करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में गर्माहट देता है। सर्दी के मौसम में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तिल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और सेलेनियम होता है, जो आपके शरीर की सारी कमियों को पूरा करता है और आपके मांसपेशियों को आराम देकर और साथ में हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें होता है डाइट्री प्रोटीन और एमिनो एसिड। आप जानते हैं इसको लेने का तरीका क्या है? आपको सफेद तिल लेने हैं। इन छोटे छोटे तिलों में आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने का खजाना है। आपके शरीर के लिए सफेद तिल वरदान का काम करते हैं। आपने लेना है एक चम्मच तिल, उसको अच्छे से चबा कर खाना है। जैसे आपने रात को खाना खाया 7-8 बजे, उसके एक घंटे बाद आपको इसको लेना है सोने से आधा घंटा पहले, और ऊपर से पीना है गुनगुना पानी। अगर आप सफेद तिल को चबा नहीं पा रहे तो आप पानी के साथ उसको निगल भी सकते हैं। तो एक चम्मच तिल लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए गुनगुना। आप इस तरीके से उसको इनटेक कर सकते हैं। सफेद तिल अगर आप खाना शुरू करेंगे कि आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल जो सफेद हो गए थे वो भी काले हो गए, आपके चेहरे पर एक अलग नूर आ गया है, आपकी हड्डियों में से जो कड़कड़ की आवाज आती थी, आपको उठने बैठने में तकलीफ, सर्दियां आपसे गुजरती नहीं थी, ये सारी तकलीफों को दूर कर देगा, गठिया की समस्या को खत्म करता है, आपके पाचन तंत्र को बहुत दुरुस्त करता है। अगर आपको खाना खाने के बाद हजम नहीं होता था, एसिडिटी होती थी, गैस्ट्रोलॉजी होती थी, खट्टी डिकारों या छाती में जलन की समस्या थी, ये सारी तकलीफों को दूर करके आपके शरीर को फौलाद बनाने का काम करेगा। ये तो था पहला तरीका, ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं सर्दियों के मौसम में। अगर आपका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है तो उसको आप आधा चम्मच दे दीजिए, और आप खुद अगर 15 साल से ऊपर के हैं
तो आप एक चम्मच ले सकते हैं। अगर आप 60 साल के हैं तो भी आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि तिल होते हैं गर्म, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। अब बात आती है दूसरे तरीके की। उसके लिए आपको लेने हैं 5 या 7 बादाम, इतने ही लेने हैं, तो 5 या तो 7। उनको रात को पानी में भिगोना है। सुबह आपको उनके छिलका उतारना है। छिलका उतार के उनको मामदस्ते में कूट कर 1 गिलास गर्म दूध में आपको उसको डाल लेना है। साथ में डालना है 1 चम्मच शहद। अगर आपको डायबिटीज है तो आप शहद अवॉइड करिए। आप इसको रोजाना पीजिए। जो आपको तिल बताए वो आपको पीने हैं रात को, और जो आपको दूध बताया वो आपको पीना है सुबह। ये आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, आपके डिप्रेशन को खत्म करेगा, आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी, जो आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी, और साथ में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको फॉलो जरूर करिए, और फॉलो करने के साथ साथ शेयर भी करिए, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। मैं हमेशा आप लोगों का ख्याल रखूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपके पास सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।